या में बारात की बस पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर औरैया से, नेशनल हाईवे पर सांड के अचानक आ जाने से कानपुर से बारात लेकर दिव्यापुर जा रही बस पलटी, लगभग आधा दर्जन लोग हुए घायल। घटना में गौवंश की भी हुई मौत। घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बस पलटने से कानपुर इटावा हाईवे पर लगा जाम। पुलिस जेसीबी की मदद से बस सड़क से हटाकर जाम खुलवाने की कोशिश करती हुई औरैया कोतवाली के नेशनल हाईवे के भावपुर के पास की घटना। जी हाँ, पूरी घटना औरैया नेशनल हाईवे के भावपुर के पास की, जहां कानपुर से बारात लेकर दिव्यापुर नेहरू नगर आ रही थी, तभी अचानक गोवंश को बचाने में बस असंतुलित होकर पलट गई। बस पलटते ही बस में चीख पुकार मच गई। पुलिस को घटना की जानकारी होते ही एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें 4 महिलाएं 3 पुरुष शामिल हैं, जो कि खतरे से बाहर हैं। बस में करीब 50 लोग सवार होंगे। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, औरैया समाचार 24। ये कानपुर से एक बस को लेकर, एक बारात को लेकर के बस जो है हरबंस मोहाल मोहल्ले से चली थी, जिसको दिव्यापुर में पेट्रोल पंप के पास में जाना था। भावपुर के पास में अज्ञात कारणों से अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा करके बस पलट गई, जिसमें 3 महिलाएं 4 पुरुष घायल हैं। घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है और इनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। बस को सीधा करवाया जा रहा है और आगे रास्ता क्लियर किया जा रहा है। कितने लोग बैठे थे सर बस में? अब उसमें बारातियों की संख्या करीब 50 के आसपास होगी। बड़ी बस थी, एग्जैक्टली तो नंबर नहीं गिन पाए, क्योंकि तुरंत जो इनको अस्पताल पहुँचाना जरूरी था। दिव्यापुर जा रही थी, कानपुर। रास्ते में क्या घटना घटी? रास्ते में मतलब हम लोग आ चुके थे आधे रास्ते, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन किया गया, मतलब कि मतलब ऐसा हादसा हो गया है, मतलब बस पलट गई। तो ड्राइवर तो मतलब भाग गया। फिर हम लोग दोबारा गए, मतलब फिर देखा जैसे, मतलब उसके बाद मतलब किसी ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई। उसके बाद बस पलटने क्या 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 कैसे पता चला? कुछ कैसे बस मतलब अब कैसे बता सकते? हम लोग तो आगे रास्ते आ चुके थे ना भैया। कितने अभी आप बताए तो जान मान सामने आ गया था, कुछ घायल वगैरह? हाँ, वही क्या हुआ? अब जो वो बस वाला यही बता रहा था, मतलब गाय आ गई थी इस मारे बस पलट गई। कितने लोग थे बस में? बस में मतलब मान के चलिए 20 से 25 लोग थे। कितने लोग घायल हुए? घायल कम से कम हो गए 7-8 लोग। दिव्यापुर बारात किसके यहाँ जा रहे थे? दिव्यापुर वहाँ जा रही थी नेहरू नगर। क्या नाम लड़की वाले का? क्या नाम लड़के वाले का? नाम कोचन। उनके पिता का नाम है, मम्मी का नाम अनरिया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनिल। आप पिताजी का? मनोज। आप जाने वाले? हम कानपुर के। किस वाले? मान लो दसियारी मंडी सुना।